और कराची में जहरीली गैस से हलाकतों का मामला हल ना हो सका। किमाड़ी में 14 अमवात सोयाबीन डस्ट से हुई हैं। कमिश्नर ने रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी, जबकि दूसरी जानब जिन्ना सिंह मेडिकल के वाइस चांसलर का कहना है कि सोयाबीन डस्ट से हलाकतें मुमकिन नहीं। केवाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतों की वजह का सही तयन ना किया जा सका। रिपोर्ट में सोयाबीन के कंटेनर या जहाज को पोर्ट से दूर रखने की हिदायत भी की गई है। जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक रफी ने सोयाबीन डस्ट से हलाकतों को खारिज इम्कान करार दे दिया। उधर कैटरीना डिपार्टमेंट ने अमेरिकी सोयाबीन को महफूज करार दिया। डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन फलक नाथ का कहना है कि अमेरिका से दरामद सोयाबीन पर ऑफलोडिंग से कबल कीड़े मारा अभियान का स्प्रे नहीं किया गया। शिप एजेंट एसोसिएशन ने भी सोयाबीन से लदे जहाज में जहरीली गैस की खबरों की तरदीद कर दी। उनका कहना है कि सोयाबीन की जरूरी हैसियत है, इसका केमिकल से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जहाज को पोर्ट कासिम भेजने की मुखालफत कर दी है।